2023 ये कंडीशन है बीच की और इंशाल्लाह बाकी व्यूज और चीज़ हम आपको दिखाएंगे जो हमने कुछ सोचा था प्रिपेयर करने का। यहाँ पे बारबेक्यू का सीन थोड़ा ऑफ इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी आपको पता है कैसी होती है, बट ये है कि आगे मैंने सोचा कि पहाड़ों के साइड हम करें, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, स्टे ट्यून। हो रहा मजा आ रहा है? Yes. कितना मजा आ रहा है? बहुत। अभी पानी का तो मजा आएगा। सोएब जी सर, कैसा मजा आ रहा है? आर यू एंजॉयिंग? हां, 9 out of 10। 9 out of 10, लो भाई। ओके, वन ही लाइक हॉग्स बे थिंग्स ना। या ऐसा ना बताओ, पैराडाइज 10 out of 9। 10 out of 9, यू आल्सो लाइक पैराडाइज? दे आल्सो लाइक पैराडाइज, दोस आर लाइक क्रिस्टल क्लीन वाटर। यस, चलो ठीक है भाई, देखते हैं। अभी पॉइंट आ गया। ओके गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं तो आता रहता हूं यहां पे, मतलब मेरा तीसरा चौथा ट्रिप होगा, तो मेरे दोस्त बेचारे मुझे परेशान कह रहे हैं कहाँ कोने में ले आ रहा है ये वो। असल में ये हमारा एक पॉइंट है, कहाँ गया ये वाला पीछे वाला, ये बिल्कुल तो उसमें स्ट्रेट मिल जाता है हमें, तो हम लोगों को बारबेक्यू के लिए भी होपफुली कोई तंगी नहीं होगी। और छोटा हट भी बना हुआ है, अगर हमें नहीं नीड होगी तो हम वो हट भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है आपको दिखाएंगे पानी कितना क्लीन है, और बहुत फैमिलीज़ आई हुई है, मतलब ये जगह पॉपुलर हो गई है काफ़ी। अब मैं आपको वो कोना भी दिखाऊं तो, और बच्चों से लोगों से भरा हुआ है, और इस तरफ से भी लोग भरे हुए हैं। सो ये है, अभी बैठे थे यार। Thank you.
यहाँ से ट्रैकिंग कर करके मैं पहुँचा हूँ, ट्रैकिंग कर करके, और ये मेरी हालत हो गई है। आई एम श्योर कि मज़ा आएगा ये हटा हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, बट आई एम ट्राइंग कि आपको अच्छे से अच्छा उस बंदे का इंटरव्यू लूँ और कुछ अच्छी मछलियाँ देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ सारे फिशरमैन बैठे हैं, ये सारे के सारे मछली पकड़ने वाले हैं। अगर आप कभी मुबारक विलेज जाएँ और जो एच होगा आपको दिखेगा ना, आप लोग उस तरफ ही हों। तो फाइनली मिशन अकम्प्लिश, कुछ फैमिलीज भी आई हुई हैं यहाँ पे फिशिंग करने के लिए, और कुछ लोग आए हैं देखते हैं मछलियाँ क्या क्या बड़ी बड़ी पकड़ी हैं। ये लोग कुछ प्रोफेशनल हैं, कुछ फिशिंग का शौक़ रखते हैं। चेक करें, मैंने तो टॉम एंड जेरी वाली भी देखिए मछलियाँ पकड़ी है भाई। लाइव मच्छी बन रही है और लाइव कोई बन रहा है, तो लाइव मच्छी बन रही है मतलब। हाँ वैसे हम पहुंच भी रहे हैं। जबरदस्त यार, पैसे वसूल हो गए, ज्यादातर ये यहाँ पे पाई जाती है। जी, अच्छा, और इसके अलावा जो है इसमें क्या कहते हैं, कितना टाइम लगता है इतनी बड़ी मछली पकड़ने में? तकरीबन पकड़ता है तो 2-3 मिनट से निकालते हैं। जल्दी निकल जाती है तो मैं आधा घंटा, लोग तो कहते हैं घंटा घंटा वेट करना पड़ता है। छोटा नहीं, अच्छा जब आ जाता है फिर हाथ में। और इसके अलावा ये बताएं क्या कहते हैं अपना जो है इससे बड़ी मछली कितनी पकड़ी है? बड़ी से बड़ी कितनी पकड़ी है? हाँ बड़ी 5-6 किलो वाला पकड़ लेंगे। यहाँ पे आता है? जी जी, बड़े दाने पे आता है 5-6 किलो वाला, 7 किलो। और यहाँ से फिर ये फिशरी जाता है, भाई ने बताया था आपके? हम तो कह रहे यहाँ पे बेचते हैं, यहीं पे ही बेचते हैं। जी जी, हम भाई है हमारा ऑफिस के लिए। अच्छा अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। भाई आप ग्रेट हो। अच्छा लगा है कि बंदी दीदी ये कांटा है नाजरी जब बड़ी मछली पकड़ने के लिए है ना। जी जी भाई, एक छोटा सा पैसा तो वैसे वो लेगा नहीं, तो मैंने उससे मछली खरीद ली। मछली एक यादगार मेमोरी के लिए भी एक विलेज में खूबसूरत मछली है, और इसको फिर इन शाह यहाँ पर नहीं लोग देख रहे हैं। अब वापसी चैलेंज है कैसे जाना है, वो बेचारा दूसरी भी दे रहा था, आप भाई आप ले जाओ, लेकिन देखे गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बोलने को तो मैं ले जाता लेकिन फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हैं आप? जब भी किसी का मिसयूज़ नहीं करें जितना हो सके, कि अबू मेरे कहते हैं कि फ्री में चीज़ें कभी भी नहीं लो, वो जो चीज़ फ्री में मिलती है वो फ्री में नहीं होती बेसिकली, तो ये चीज़ें हैं। तो खैर अभी बस आखिरी एक्टिविटी बारबेक्यू है, शायद सिंगिंग हो तो हो, क्योंकि गिटार गाड़ी में पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद इंजॉय करें। असद के नाम से सही है, रुक जाओ रुक जाओ, दानियाल असद के नाम से सब्सक्राइब करना सही है।